हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आशुतोष आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हमारे यहाँ के सबसे टॉप जो मोस्ट पॉपुलर एम्पलीफायर्स हैं उनकी बात करेंगे। तो आज हम चार एम्पलीफायर्स की बात करने वाले हैं जो कि लो बजट सेगमेंट में बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस का एम्पलीफायर प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हम इन्हीं चार एम्पलीफायर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका मैं भी यूज़ करता हूं, आप लोग भी यूज़ करते होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है कि हमारा मोस्ट एम्पलीफायर्स जो रहेंगे, मोस्ट पॉपुलर टॉप एम्पलीफायर्स इन इंडिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो के तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है, हमारे इंडिया में बहुत ही कंपनी के एम्पलीफायर अभी मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन मोस्ट जो पॉपुलर एम्पलीफायर हैं हमारे यहाँ के, जो लो बजट सेगमेंट में अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, अच्छे क्वालिटी के एम्पलीफायर्स हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे कि हमारे लिए लो बजट में कौन से एम्पलीफायर बेस्ट होने वाले हैं और लो बजट के साथ साथ उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहने वाली है और बहुत ही कम प्राइस में होने वाले हैं। चलिए, तो इन टॉप एम्पलीफायर्स की लिस्ट में हमने चार एम्पलीफायर्स को इंक्लूड किया है। जो चार एम्पलीफायर्स के बारे में बात करेंगे, पहले नंबर पर हमारा रहने वाला है स्ट्रेंजर एम्पलीफायर, जो कि हमारे इंडिया में ही बनता है, कलकत्ता में। तो ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर एम्पलीफायर है हमारे इंडिया का, बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड है और इसकी पीवीटी सीरीज बहुत ही फेमस है। पीवीटी सीरीज से ही हमारा स्ट्रेंजर कंपनी यहाँ पर इंडिया में झंडा गाड़ पाई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसकी PVT 501, PVT 701 ये हमारे पीवीटी सीरीज के सबसे फेमस मोस्ट पॉपुलर एम्पलीफायर्स हैं। इसी की वजह से हमारी स्ट्रेंजर कंपनी आज इस मुकाम पर है। यही एम्पलीफायर्स है जो कि हमारे स्ट्रेंजर कंपनी को इस ऊंचाई तक ले आई है और हमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रही है। तो ये हमारे जो 500 वाट और 700 वाट के एम्पलीफायर है, बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है, लाइव और डीजे में यूज करने के लिए बहुत ही बेस्ट है हमारे लिए। लो बजट का है और अच्छी क्वालिटी का है, तो इसका इस्तेमाल हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, पता ही होगा। तो चलिए इसके पावर एम्पलीफायर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका पावर एम्पलीफायर में रहेगा हमारा SPV सीरीज होने वाली है, जो कि SPV 2K, 3K, 4K, 5K आती हैं और बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है। कम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज भी रहता है, तभी ये अपना साउंड क्वालिटी को क्लियर रखता है और कोई डिस्टॉर्शन नहीं आती है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं होगा कि लो बजट लो वोल्टेज में ये जल जाएगा, फूक जाएगा। बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है, बूस्टर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका जो क्लियरिटी है पावर एम्पलीफायर की तरह ही है। तो ये पावर एम्पलीफायर है, लेकिन बूस्टर के वोल्टेज कितना भी ये ऑपरेट हो जाता है, कि वोल्टेज की दिक्कत इसमें नहीं आती है, लेकिन हमें वोल्टेज का इस्तेमाल करना चाहिए बेस्ट क्वालिटी लेने के लिए। तो SPV 4K, 2K, 3K, 5K आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर ब्रांड है स्ट्रेंजर का। तो ये हमारी स्ट्रेंजर कंपनी है जो कि हमारे इंडिया की है, तो आप लोग इसको जरूर सपोर्ट कीजिए। इसी बात पे एक लाइक दबा दीजिए इस वीडियो को भी। दूसरे ब्रांड की बात करें तो हमारा जो कि बच्चे बच्चे के जुबा पर नाम है, अहूजा, हमारी बहुत ही पुरानी कंपनी है। ये हमारे इंडिया के ही नहीं, पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ चुकी है। इंडिया के प्रोडक्ट्स बहुत ही टिकाऊ और बहुत ही जेन्युइन और लो बजट सेगमेंट में आते हैं, जो कि मीडियम क्लास का हमारा रहने वाला है। अगर टिकाऊ प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं कि हमारा हमको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसे हम रेंटल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकें, कि हम रेंट पर दे दें, उसमें कोई दिक्कत ना आए, तो आप अहूजा को की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अहूजा कंपनी ऐसी कंपनी है कि ये आज तक कभी वोल्टेज के मायने में और आउटपुट के मायने मामले में कभी झुकी नहीं है। बहुत ही टॉप का आउटपुट देता है एम्पलीफायर और बहुत ही ट्रस्टेबल एम्पलीफायर है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज सभी को मैनेज कर लेता है। तो आप लोग अहूजा का एम्पलीफायर, जो कि इसके सबसे फेमस सीरीज है बूस्टर में SPA सीरीज, जिसमें SPA 7000, SPA 10000 है, जो कि हमारे 700 और 1000 वाट के एम्पलीफायर है। इसमें और भी मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो हम दो चार मॉडल को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा।
तो 2-2, 4-4 मोटर लेकर चलेंगे। तो इसमें SPJ सीरीज भी बहुत फेमस सीरीज है जिसका बहुत ही अच्छा आउटपुट होने वाला है। तो इसके दूसरे सीरीज की बात करें जो कि बूस्टर में ही आते हैं लेकिन पावर एम्पलीफायर का ही काम करते हैं, तो वो है VTZ सीरीज, जिसमें कि VTZ 7000 और VTZ 10000 हमारा एम्पलीफायर है, जो कि बहुत ही अच्छे एम्पलीफायर होने वाले हैं। और इसमें डबल जोन का ये एम्पलीफायर होने वाला है, तो 2 चैनल वाला एम्पलीफायर है, तो आप लोग मल्टीपर्पज़ के लिए इसे ले सकते हैं। टॉप चलाना हो दोनों पर टॉप चला सकते हैं, एक पर टॉप चलाना है, एक पर टाइगर नोट चलाना है चला सकते हैं, और VTZ 10000 पर एक पर टॉप चला सकते हैं, एक पर बेस चला सकते हैं, तो मल्टीपर्पज़ है, आप इसे किसी भी पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट एम्पलीफायर है, लो बजट सेगमेंट में सबसे जेन्युइन एम्पलीफायर, सबसे तगड़ा एम्पलीफायर मैं बहुजा को ही कहूँगा। तो इसके पावर एम्पलीफायर की बात कर लेते हैं, तो इसमें पावर एम्पलीफायर आता है जो DX-A 3500, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर एम्पलीफायर है DX-A 3500। आप DX-A 3500 को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, यूज भी किए होंगे, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस है इसका। क्लियरिटी इसमें ज़बरदस्त आती है, साउंड क्वालिटी नंबर एक के निकल के आती है, पंच और वाइब्रेशन भर भर के दिया गया है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो अगर हम इसके Alexa सीरीज की बात करें तो ये DX-A का ही अपग्रेड वर्जन कहेंगे तो कोई बुरा नहीं कहेंगे, Alexa जो हमें DX-A से ही न्यू अपग्रेड सीरीज मानेंगे कि Alexa जो हमारा न्यू भी लॉन्च हुआ है हाल ही में 2-4 साल पहले, तो ये बहुत ही अच्छा औजा कंपनी अपग्रेड करके लाई है, जिसमें Alexa 3200, Alexa 4500, Alexa 6000 एम्पलीफायर्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एम्पलीफायर्स हैं। आप अपने DJ के लिए तगड़े तगड़े स्पीकर्स हैं आपके हाई वोल्टेज के, तो Alexa की सीरीज़ की तरफ जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्लैरिटी का साउंड मिलेगा, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एम्पलीफायर होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे तीसरे एम्पलीफायर ब्रांड की, जो कि होने वाला है हमारा NX ऑडियो की तरफ से। NX ऑडियो को शायद कोई नहीं जानता होगा, कोई भी ऐसा DJ वाला भाई होगा या लाइव साउंड वाला भाई होगा जो NX ऑडियो को नहीं जानता होगा। तो NX ऑडियो में हमारा सबसे फेमस सीरीज होने वाला है MT सीरीज, तो इसमें हम पावर एम्पलीफायर्स की ही बात करेंगे क्योंकि मोस्ट पॉपुलर एम्पलीफायर इसमें MT सीरीज ही हमारे इंडिया में है, तो MT सीरीज की ही बात करेंगे। MT सीरीज में हमारे 1201, 1601, 1801 और 2201 सबसे मोस्ट पॉपुलर एम्पलीफायर हैं, जो कि बेस के लिए सबसे बेहतरीन एम्पलीफायर्स मैं कहूँगा। इन सभी एम्पलीफायर्स में मैं NX ऑडियो को, जो कि MT सीरीज है हमारी, वो बेस के लिए सबसे बेस्ट एम्पलीफायर मैं कहूँगा। आप अपना कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इसे किस नंबर पर रखेंगे और क्या बोलते हैं, इसको बेस के लिए यूज़ करने हैं या टॉप के लिए यूज़ करना है। मैं सजेस्ट करूँगा, मेरी जो ओपिनियन है वो सबसे अच्छी रहेगी कि आप इसे बेस में यूज़ करें, बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन, बहुत ही अच्छा पंच आने वाला है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको मिलने वाली है बेस की। तो इसमें आप MT-1201, 1601, 1801, 2201 को ले सकते हैं, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर एम्पलीफायर है हमारे इंडिया का। तो अगर हम अपने अगले एम्पलीफायर ब्रांड की बात करें तो वो अलग होने वाला है हमारा स्टूडियो मास्टर, जो कि हमारा लाइव और DJ दोनों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है। ये एक मीडियम बजट सेगमेंट का एम्पलीफायर होने वाला है, अगर आपका बजट मीडियम में है तो आप ये एम्पलीफायर ले सकते हैं। इसका आप यूज DJ में भी कर सकते हैं और लाइव में भी यूज कर सकते हैं। इसकी मैं एक सीरीज़ की बात करूँगा जो PA सीरीज है। PA सीरीज बहुत ही ट्रस्टेबल सीरीज है, जो कि काफ़ी पुरानी सीरीज है लेकिन इसका मार्केट में नाम सबसे ज़्यादा है PA सीरीज का ही। इसमें और सारी सीरीज आती हैं तो उनकी बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ स्टूडियो मास्टर के PA सीरीज की बात करेंगे। तो इसमें PA सीरीज में हमारे जो एम्पलीफायर्स हैं PA 2.0, PA 3.0, PA 4.5 और PA 6.0 होने वाले हैं। ये बहुत ही बेहतरीन एम्पलीफायर्स हैं, आप इसमें टॉप भी चला सकते हैं, बेस भी चला सकते हैं, आप जिस पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं उस पर्पज़ पे ये काम करेगा। मल्टीपर्पज़ एम्पलीफायर है, बहुत ही जेन्युइन आउटपुट देता है और ये ओवरलोड पर भी कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है, तो आप इस एम्पलीफायर को भी अपने DJ में सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये थे हमारे मोस्ट पॉपुलर एम्पलीफायर्स जो इंडिया में अभी अपना झंडा गाड़ चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन चल रहे हैं। और भी हमारे एम्पलीफायर्स हैं,
तो इसमें हमने लो बजट सेगमेंट, मीडियम बजट सेगमेंट में ही बात की है, मोस्ट पॉपुलर जो थे। और हमारे अदर एम्पलीफायर्स हैं ATI प्रो, प्रोटोन, CA20, CA कंपनी साउंड स्टैंडर्ड, ये सब इनको हमने इंक्लूड नहीं किया है। और अगले वीडियोस में हो सकता है कि इनको भी, इनके बारे में भी मैं अगला वीडियो लेकर आऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपका मोस्ट पॉपुलर एम्पलीफायर्स में से आप किस किस का यूज़ करते हैं। मैं अपने डीजे और लाइव में 3 ब्रांड्स का यूज़ करता हूँ, जो कि 2 ब्रांड आपको दिख ही रहे हैं, अहूजा स्टूडियो मास्टर, और तीसरा ब्रांड मैं यूज़ करता हूँ स्टेंजर, जो कि सबसे पुराना मेरा भरोसेमंद एम्पलीफायर है स्टेंजर, उसी से मैंने शुरुआत की थी, वो आज भी मेरे साथ है और मैं भी उसके साथ हूँ। तो मैं मेड इन इंडिया पर विश्वास रखता हूँ, तो आप मेड इन इंडिया का यूज़ करें, बढ़ते हुए टाइम के हिसाब से आप इम्पोर्टेड एम्पलीफायर का भी यूज़ करें, क्वालिटी को मेंटेन रखें। जैसा हमारा टाइम आ रहा है, जैसा हमारे जनरेशन चल रही है, उस हिसाब से चलें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।